कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भो मा के संगो कविकर्मणि। I don't know, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो, it's here. Wow. This place is so cool. Isn't it? अच्छा, tell me, इससे अच्छी romantic जगह गोवा में कहाँ मिलेगी? किसी को पता भी नहीं चलेगा। By the way, रोहन, ये बंगलो है किसका? Interesting. इतने बड़े खाली घर में सिर्फ मैं हूँ, तुम हो और एक भूत है। तुम कुछ खाना वाना लेकर आए हो कि नहीं? Of course लेके आया हूँ। और पता है मैंने क्या अरेंज किया है? कैंडल लाइट डिनर और वो भी शैंपेन के साथ। परफेक्ट। तो तुम डिनर रेडी करो, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम डिनर रेडी करो। टीना, बाय। टीना। तुम अभी तक यही हो? प्लीज नीचे चलिए, बहुत भूख लगी है। टीना, डिनर रेडी। व्हाट? और तुम अभी तो यहाँ खड़े थे ना? व्हाट? मैं वहां क्यों खड़ा रहूंगा? मैं नीचे था, डिनर लगा रहा था। चलो ना, let me show you what I made. फिर वो कौन था? Oh, I get it. अब तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो. Wait. I got scared. How cute you are. चलो ना, let me show you what I made. I've made excellent dinner. और मैंने candles भी लगाए हैं. देखो, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है. Come here. Hey, honey, हमारा candle बुझ जाएगा. जरा window बंद करो ना. Window बंद करो ना. Quickly. Hold it. Enough यार, बहुत हो गया। मैंने अभी किसको देखा? प्लीज ले जी। ये तुम्हारे मन में वहम है। अब चिल्ला रही हो, लाइट ही तो गई है। टीवी ऑन हुआ। टीना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, टीवी कैसे चालू होगी? रोहन, आई एम टेलिंग यू, यहां पे कोई है। प्लीज लिसन टू मी, लेट्स स्टॉप इट यार, स्टॉप इट, यू आर रुइनिंग द इवनिंग यार, स्टॉप इट, वेट यार। प्लीज बिलीव, अब देखते हैं। मैंने कुछ देखा, प्लीज। है कोई यहां? है कोई यहां? है कोई? है। दिखा कोई? यहां भी देखो, यहां भी देखो। टीना, यहां कोई नहीं है।
चाबी मेरे को दे दे। ए अंतनी उठो चल यहां से चल चल। अरे मैं रहेगा ना इधर, मैं संभालेगा ना इसको। खुद को संभाल नहीं पाता है, बंगला संभालेगा। चल चल उठ चल चल यहां से। ए बंगला मेरा है, मेरे अलावा कोई डेयरिंग नहीं कर सकता रहने की। भूत रहता है इधर। ए जगन बताना कौन रहेगा इधर। ये ऑल दिस इज गोवा। वाओ हमारा घर कहाँ है? हमारा घर इधर, हमारा घर है। वो हमारा घर नहीं है। अरे स्टॉप इट स्टॉप इट, कुछ भी बोलते हो। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो सो रही थी जब हम घर ढूंढने आए थे। रियली? यस लाइक ऑलवेज। अच्छा अच्छा एक मिनट सुनो, एक मिनट। अरे कम ऑन भैया। अरे भैया अरे हुआ क्या? अभी तो लड़ाई कर रहे थे लेकर जाने के लिए, अभी क्या हो गया? मैडम कौन थी सर वैसो ना साहिबा, कोई भी आपको वहाँ पे लेके नहीं जाएगा। क्यों? आपन बोलते आप भी वहाँ पे मत जाओ तो अच्छा है। आपको नहीं जाना, मत जाओ, हम दूसरी टैक्सी कर लेंगे। आओ बंको। ए सुनो साहब, जाना तो आपन लेके जाएगा ना। बोलो बोलो। आइए आइए ये पकड़ो। आओ बेटा आओ आओ। चिंच 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 पोकली टीसी मारी घंटी यानी पशु बिरावली। अच्छा गाते हैं। वैसे दूसरी टैक्सी वाले नाथवेला क्यों नहीं जाना चाहते थे? साहिबा रागार जाओ ना, एक बात बोलता है, आप नाथ साहब का रिश्तेदार है क्या? नहीं नहीं, हमने वो बंगला किराए पे लिया। अरे तो दूसरा बंगला में जाओ ना, काय को मुसीबत मोल लेता है साहब आप? क्यों, वहाँ क्या बात है? अरे मैडम वहाँ पे किसी आत्मा का प्रकोप है, ऐसा बोलता है, वहाँ पर भूत है। अरे भूत भूत कुछ नहीं होता है, नॉनसेंस। अरे आपने भूत का नाम लिया गाड़ी को। हाँ। एक मिनट, एक लगता आप गाड़ी आगे नहीं जाएगी साहब, तो चलना पड़ेगा। जी हाँ, मैं यहाँ से आपको चल के जाना पड़ेगा। अरे पास ही में, आ जाओ बंकू, मम्मी को उठा कर ले चलेंगे। ओह नो, ओह ये लो आ गया नाथ मिला। अरे उफ, आप आदित्य सर है ना? मैं जगन यहाँ का केयर टेकर हूँ। हाँ ये लीजिए अच्छा हुआ, ये लीजिए बैग। नमस्ते। ए नीचे है बंदर, आप आजा आजा आजा। चलो इतना बड़ा घर, ये तो दादाजी के घर से बड़ा है। वही तो, एक बार अंदर से पूरा बंगला दिखाते हैं आपको। जाम हो गया लगता है। कितने दिनों से बंद है? ज़्यादा नहीं, अभी तो साफ सफाई करवाई है। आप कहने की जैसे खबर लगी ना, सब साफ करवा दिया, फर्स्ट क्लास। ये बढ़िया साफ किया है। साफ ही है, और वैसे हाँ। बाकी सफाई तो तुम कर ही लोगी, है ना? लगता है कांच तोड़ना पड़ेगा। बंको ये तुम क्या कर रहे हो? अंकल ने ही तो कहा था। मगर कोई बात नहीं, दूसरा जगह फिर मैं पूरा तोड़ देता हूँ। हाँ? 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 अरे अरे मैं तो ऐसे ही, पता नहीं ये सब अकेले मैं कैसे संभालूंगी। अरे भाई अब टूट ही गया तो खिड़की खोल के दरवाजा तो खोल दो। आइए आइए मैं उठाता हूँ। हाँ सामान ले आओ। इतना बड़ा घर। अरे बाप रे इतना बड़ा घर, क्या बात, पुराने लोग भी कितने शौक से घर बनाया करते थे। तुम्हारी कंपनी भी ना, कोई मीडियम साइज का घर नहीं मिला हमें देने के लिए। अंजनी अरे भाभी जी ऊपर छत भी है भाई। वाओ छत भी है। अरे नहीं बंको बंको सीढ़ियां हैं, बंको गिर जाओगे। अच्छा भाभी जी पानी 24 घंटे आता है यहाँ पे, कभी भी कपड़ा धोइए बर्तन धोइए कुछ भी करिए। अरे कपड़े बर्तन के लिए भाभी को सिर्फ एक घंटा चाहिए, अंजलि सब काम जल्दी जल्दी कर लेती। आइए किचन दिखाते ना, जाओ किचन देखो। आइए गो ऑन गो ऑन। ये वाला ना सामने।
सुनो, कुछ पूछना है तुमसे। काफी बातें फैली हुई हैं इस घर के बारे में। वो टैक्सी वाला भी कह रहा था कि यहाँ पर भूत प्रेत हैं। फालतू की बातें हैं सर ये सब। देखिए क्या है कि जो मालिक मकान है वो रहते हैं अमेरिका में, यहाँ की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है, इसलिए जलते हैं, बस उल्टी सीधी कहानियां फैलाती। यकीन कीजिए सर, ऐसी कोई बात नहीं है। लीजिए सर। अरे क्या हो गया बंकू? क्या हुआ बंकू? इतनी बड़ी छत, यहाँ पर क्रिकेट खेलने में कितना मजा आएगा। लो तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? मम्मा कितना डर गई? मैं डरी नहीं थी मगर लेकिन मैं डर गया था भाई। बड़ा शरारती बच्चा है आपका। ये भी ना। बेटा आप नीचे चलो। Come on, go to me. अब चलो तुम लोग नीचे। अब बच्चे तो शरारती होंगे ना जगन साहब। वैसे आपके कितने बच्चे हैं? दो बेटियां हैं। बड़ी शांत है। बस उन्हीं के लिए दिन भर घर से बाहर काम पे लगा रहना पड़ता है। हाँ भाई, काम के लिए तो घर से बाहर रहना ही पड़ता है। अब मुझे देखिए, महीनों बाहर रहता हूँ। महीनों मतलब? मैं क्रूज लाइनर में चीफ इंजीनियर हूँ, तो जहाँ क्रूज जाता है वहाँ मुझे भी जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। और हमें अकेला छोड़ जाते हैं? इसलिए तो ऐसा घर चाहता हूँ जहाँ पर इन दोनों की फिक्र ना हो, दोनों सेफ रहें। हाँ यहाँ एकदम सेफ है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। लीजिए सर। हाँ ये तो भूल ही गए। क्या तुम्हें और क्या बनाती? कुछ नहीं, सैंडविचेस तो हमारे फेवरेट हैं, इसलिए तो ब्रेकफास्ट में सैंडविच, लंच में सैंडविच, डिनर में सैंडविच, सैंडविच 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 विच आदि। अरे नहीं नहीं, कभी कभी मैगी भी बना देंगे। मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। गुड देन। अच्छा तुम्हारे ये क्रूज कब जा रहा है? बस दो दिन बाद। नहीं बिल्कुल नहीं, जब तक ये घर सेट नहीं हो जाता है तुम कहीं नहीं जाओगे। हाँ बाबा। नहीं बेटा, मुझे जाना है, मुझे ये सैंडविच और नहीं खाना है। वेरी फनी। अंजलि बुरा मत मानना, देखो सुबह सोती मत रहना, अलार्म बजे तो उठ जाना वरना बंकू का स्कूल मिस हो जाएगा। वो सब ठीक है, पहले अपने छोटे से तूफान को समझा के जाओ कि अपनी शैतानियां कंट्रोल में करेगा। Come on, be realistic, अंजलि, उसको वही बोल सकते हैं ना जो बेचारा कर सकता है। मैं बोलता हूँ बंकू, देखो नए स्कूल में नई शैतानियां करना, ओके पुरानी वाली मत करना, और देखो मम्मी को बिल्कुल परेशान मत करना वरना यू नो आई गेट वेरी एंग्री। मैंने डरा दिया आप कंट्रोल में। व्हाट्स गोइंग ऑन? यू आर अ फादर नाउ, व्हाई डोंट यू बिहेव लाइक वन? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? बच्चा इंग्लिश समझता है, उसके सामने डांटा मत करो, बेइज्जती हो जाएगी, बड़ों के रिस्पेक्ट नहीं करेगा। बंकू आंख बंद करो, मैं मम्मी को किस करने वाला। मम्मी आदि वन मोर मम्मी नाउ फैमिली अ टाइम एवरीवन कम हियर। Kunal Pat, Division 2C. Yes, sir. This is Pachyang. Very good, very good. Excellent. Oh, Mrs. Sharma, I have met you. Please Good morning, sir. Oh, sorry. Thank you. So, this is the boy. Say good morning. Huh? Good morning. आपके घर में खाना कौन बनाते हैं? देखिए हम लोग अभी अभी शिफ्ट हुए हैं तो अभी अभी तो मैं बना रही हूँ, मगर बाद में। Very good. तो आप अपने हाथ से ही खाना बनाइए। You know, for the taste, स्वाद के लिए अच्छा है, बच्चे का सेहत के लिए, हम सब के लिए अच्छा है ना? अच्छा। So, young gentleman, आपके नाम क्या है? बंकू। बंकू? Actually, इसका रियल नाम अमन है। हम लोग प्यार से इसे बंकू बुलाते हैं। ओके बंकू, हम भी प्यार से आपको बंकू बुलाएंगे, ओके? कितने सीधे बच्चे हैं। दिखता है नहीं। कैसे बात करते हैं आप, लुक लुक कैसे इनोसेंट आईज है, कितना इनोसेंट आंखें हैं आपके। बंकू आप रोज स्कूल आएंगे ना? गुड, रोज टिफिन लाएंगे? डर गए, डर गए। अक्सर बच्चे पहले दिन डर जाते हैं। सर ये उन बच्चों में से नहीं है,
आज के बाद स्कूल के सारे बच्चे रोएंगे। You mean naughty? Ah, हम को naughty बच्चे बहुत पसंद हैं। आप और हम मिलके मिस्चीफ करेंगे, ओके? Okay? Okay. Come on, हम आपको आपके रूम दिखाते हैं, क्लासरूम, ओके? All the best. All the best बोले? Thank you बोलो। आपको बोला। Thank you. Welcome. Yes sir. Come. बच्चों गुड मॉर्निंग बोलो सर को। गुड मॉर्निंग सर। ब्रेड पकोड़ा है? पता नहीं सर। लेकिन आपको पता है हम आपके लिए क्या लाए हैं? एक नए फ्रेंड जो आज से आप ही के क्लासरूम में बैठ के पढ़ेंगे और इसके नाम है बैंकू। बैंकू। नो लैफिंग। बैंकू बैठे, आप जाके उधर बैठेंगे जोजो के पास, ओके? जोजो। नो लैफिंग बैंकू, ओके? बाय बाय क्लास। अमित, आपको रिसेस में मिलेंगे, ओके? तू मेरे नाम पे हंसा क्यों था? तू मेरे नाम पे क्यों हंसा था? सर, देखो जोजो फिर लड़ रहा है। जोजो, no talking, no fighting. Banko, do you have your drawing book? Yes, sir. Okay, start your drawing. I'm coming back in 5 minutes. में बताते हैं उसको, बहुत होशियार बन रहा है।
अच्छा ठीक है चल नीचे उतर। मारूंगी तो नहीं? नहीं मारूंगी, तू नीचे तो आ। मैं पेप्सी लेने आया था तो मैंने चखना देखा, इतने दिनों से बगैर चखने के दारू पी रहा था, रोज ग्रोसरी जाके मेरे लिए चखना लेके आना। फिर बाद में करूंगा। मेरे पास भी थी पहले, प्यून प्रसाद पे डाल के दिखा तो मान जाऊंगा। का है वो? इतने टिफिन देखे, बच्चे देखे, लेकिन आज तक कोई भी बच्चे हमारे साथ ऐसे नहीं किए। मैं इसे डांटूंगी, I will scold him, मगर आप कुछ बताएंगे तब ना? आप तो मुंह फेर के खड़े हैं। देखने चाहते हैं आप? आप इतने फनी लग रहे हैं कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। कंट्रोल कीजिए मिसेस शर्मा, कंट्रोल कीजिए आपके हंसी और इस लड़के को भी, ये इनोसेंट नहीं शैतान का आते। मैंने आपको वार्न किया था सर, बट आई प्रॉमिस आज के बाद ये ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। बंकू से सॉरी। सॉरी सर। इट्स ओके, यू कैन गो। सर सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इसमें फोटो जरूर खिंचवाइएगा। चल बंकू। सर बुला लूं? किसको? फोटोग्राफर को। चला चला। तो आप हैं जोजो, आपने इंक बदली थी? हाँ, क्योंकि वो सबको बता रहा था मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। हाँ है तो क्यों नहीं बताऊंगा। अरे रे, ये क्या है? ये WWF है? हाँ, come on, let's not be fighting. चलो हम सब दोस्ती करते हैं, let's shake hands. हाँ, अरे come on. जोजो, कभी बंकू के साथ घर खेलने आया करो। हाँ, हमारे यहाँ बहुत बड़ी छत है। अच्छा, कहाँ रहते हो तुम?
नाथविला। नाथविला? नहीं, मैं वहाँ नहीं आऊंगा, वहाँ भूत है। वहाँ पर भूत है। मम्मा, भूत क्या होता है? जब तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे ना, जो तुम्हारी पिटाई करने आएगा वो भूत होता है। अपने घर में कोई भूत है क्या? सब बोलते हैं। बेटा, भूत होता ही नहीं है। अपने घर में एक चोर छिपा रहता था, एंथनी, जो सबको भूत बनकर डराता था। आज मैंने उसे मार के भगा दिया। हाँ, आपने मारा उसे? फिर क्या, किचन का सामान चोरी कर रहा था, उसके सारे भूत उतार दिया मैंने। मतलब उसमें भूत था? भूत भूत कुछ नहीं होता, एंजल्स होते हैं। एंजल्स? वो क्या होते हैं? एंजल्स, जब भगवान किसी से खुश हो जाते हैं ना, तो वो उन्हें एंजल बना देते हैं। जैसे कि दादाजी को, जब दादाजी भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने बोला, अरे आप तो बंकू के दादाजी हैं, तो मैं आपको स्टार बना देता हूँ, ताकि आप हमेशा बंकू को देखते रहें। मम्मा, आपने कभी एंजल देखा है? देखा है, और उसका नाम है बंकू। बंकू, बंकू, बंकू। अगर मुझे कभी एंजल मिल गया, हाँ? तो मैं क्या करूँगा? तुम उससे दोस्ती करना, उसे अपनी कहानियाँ सुना देना। वो दिखता कैसा होगा? अगर दादाजी ने भेजा होगा तो उनके जैसा ही दिखेगा। तो मैं उन्हें पहचान लूंगा। हाँ। पापा का फोन। अरे बंकू, स्लोली सीढ़ियाँ हैं। पापा। अरे वाह बदमाश, तुझे कैसे मालूम पापा का फोन है? क्या कर रहे थे? पता है, आज मैंने स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर एंट फेंक दी। ओह, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। शुरू हो गई तेरी बदमाशी। फिर पहले ही दिन बुलावा आ गया स्कूल से। जरा समझाओ इसे, वरना स्कूल से निकाल देंगे। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अंजलि, इस बार बहुत ज्यादा लोड है, आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। घर सेट हो गया? कहाँ, कार्गो से सामान भी आ गया, लेकिन काम वाली नहीं मिल रही। सब भूत की कहानियों से डरे हुए हैं। और भूत होता ही नहीं है। अब इससे बड़ा और भूत कौन होगा? गुड नाइट। गुड नाइट। कर क्या रहे थे? जैसे मैं आइसक्रीम निकाल के मोड़ा। आइसक्रीम? मना किया था ना? थोड़ी सी, वो भी गिर। अरे कटोरी क्या गई? मम्मा, यही कटोरी गिरी थी और चम्मच भी। पहले तो तुम बिना पूछे आइसक्रीम खा रहे थे, ऊपर से कहते हो किसी को देखा। सच्ची में यहाँ पर देखा था। तुम्हें एंजल की बातें क्या बताई, तुम मुझे कहानी सुनाने लगे। अभी मार पड़ेगी ना तो रोने लगोगे। अभी चलो यहाँ से चुपचाप, और बिना पूछे फ्रिज को हाथ भी लगाना तो देखना। अरे स्कूल के लिए कैसे उठोगे सुबह? तुम क्या, मैं कैसे उठूंगी? इतने शरारती हो ना तुम, बोर्डिंग स्कूल में डाल देना चाहिए तुम्हें। अरे चलो ऊपर, आइसक्रीम खाने के लिए इतना नाटक कोई दिखा।
अब इधर उधर क्या देख रहे हो? मैंने फ्रिज खोला, आइसक्रीम निकाली, मेरे हाथ से कटोरी गिरी, तो फिर गई कहाँ? ये देखो, मैंने कहा था कटोरी यहाँ पर ही गिरी है, लेकिन मम्मा मानती नहीं है। से भगाने आया हूं। हमारा घर है। मेरा घर है। हमारा घर है। कौन है मेरा घर है? धीरे धीरे, अगर मम्मा सुन लेंगी तो ये किसी का घर नहीं रहेगा। ए, 4 फुट 2 इंच, बातें बात करता है तू। रुको, 4 फुट 2 इंच, बता दो उसको। ए, 6 फुट 2 इंच, मेरा नाम बंकू है, तुम्हारा नाम क्या है? बाहर गेट पे नाम नहीं देखा? नाथ। कभी कहते हो भूत हूँ, कभी कहते हो नाथ हूँ। अच्छा, तुम्हारा नाम भूतनाथ है? मैं भूत हूँ, भूतनाथ नहीं। ये मेरा घर है, चलो निकलो यहाँ से। कहा ना, ये हमारा घर है, लेकिन तुम यहाँ पर रह सकते हो। मैं मम्मा को मना लूंगा। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे कुछ करना होगा। क्या करोगे? डरो, बताता हूँ। इतने funny faces बना रहे हो? Funny faces? और क्या, fancy race में पार्ट लोगे तो first prize मिलेगा। अजीब बच्चा, सारी दुनिया मुझसे डरती है, ऐसा हंसता है। नहीं, मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, तुम्हें डरने लगता? तुम्हें लगता क्या? मुझे क्यों लगे? सब लोग कहते हैं यहाँ पर कोई भूत रहता है, तुमने देखा है क्या? मैं क्यों देखूंगा? लेकिन तुम डरना मत, मैं इसी कमरे में रहता हूँ मामा के साथ, डर लगे तो मुझे बुला लेना। अब तो हम लोग दोस्त है ना? दोस्त? एक और चीज। क्या? आओ तो। हाँ? सुसु आई है। सुसु? सुसु? आ तो जाओ ना। तुम तो आओ ना। तुम जाओ, मैं क्यों आऊंगा? मैं भूत हूँ कि नहीं? तुमको भी आई ना? ए, चुप, जा। Hey, 4 foot 2 inch. So right, get out.
सोने दो ना। उठा, मैं कह रहा हूँ उठाओ। अरे ये तो सो गया, अभी उठेगा कैसे? उठा बंकू, बंकू। अरे फिर नीचे पहुंच गया। आइसक्रीम। मेरा बदमाश एंजल। एंजल? पता है कटोरी किसे छुपाई थी? किसने? एंजल ने। हमारे घर में एक एंजल रहता है। अच्छा, फिर तो ये आइसक्रीम भी उसी ने खाई होगी। नहीं नहीं खाई, मैंने उसे पूछा भी, अब वो यही रहेगा हमारे साथ। अब मैं उसका दोस्त भी बन चुका हूँ। अच्छा, एंजल से कहूंगी रोज तुम्हें ब्रश कराए, होमवर्क कराए, स्कूल लेके जा। और पता है क्या कहा उसने? बाकी कहानी बाद में, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, चलो। मम्मा कहानी नहीं, सच्ची कहानी जिले। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ। अच्छा सुनो, आज स्कूल से कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ओके? मम्मा बाय। एंजल बाय। अरे तू और तेरा एंजल। मैंने देखा मेरे सामने एक लंबा सा काले कोट वाला कोई खड़ा था। मैं उठकर उसके पास गया। मैंने उससे पूछा, यस कौन है आप, यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हैं? वो मेरी तरफ मुड़ा, उसके लंबे लंबे हाथ, उसके दांत भी काले, उसकी आंखें भी लाल। ये एंजल है या भूत? सफाई। यहाँ फिर क्यों खड़ा है तू? मार खानी है फिर से तुझे। मेरा घर था ये, मेरे पास जगह भी नहीं है और काम भी नहीं है। नहीं? घर की सफाई करेगा तू? पूरा साफ कर दूंगा। ए? चोरी वोरी नहीं, वरना पुलिस में डाल दूंगी तुझे। अच्छे से काम करेगा ना? हाँ। तो 20 रुपए दूंगी मैं तुझे दिन का। 25 रुपए कर दो ना, मेरी दारू की बाटली भी आ जाएगी। कर दो ना, कर दो ना। तू चल, झाड़ू उठा, तू चल जल्दी कर। थैंक यू। चल इधर से शुरू हो जाना। और शी, कितना गंदा है तू, पहले नहा क्या? लाओ 25 रुपए लाओ। देख रहा है? अरे आपको नहीं दिख रहा,
सब देख रही हूँ मैं, कुछ सफाई नहीं की है। अरे अंदर कितना काम पड़ा है, सामान शिफ्ट करना है, चल तू। हवा अपने आप ही चलती है, ये क्या कर दिया, पूरा फैला दिया, कौन साफ करेगा इसे? बैठना मत। ए? बैठने को किसने कहा? चलो। एक मिनट मारिए। क्या? नहीं मारिए 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 मारिए, ठीक है। अब दूसरा कौन मार रहा है? चल तू बक्सा वहां से हटा, तू चल। दूसरा कोई मार रहा है। लो, तू काम करेगा कि नहीं, चल वहां पर संभाल के। लो, दूसरा कौन मार रहा है? दूसरा कौन मार रहा है? चल दम लगा। मेरा कोई मिस्टेक नहीं, मेरा कोई मिस्टेक नहीं। ये पकड़ो आप, लो पकड़ो, मेरा कोई मुझे रह नहीं इस घर में। आदित्य मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, तुम अपनी कंपनी से कहो कहीं और अरेंजमेंट करें अभी। अंजलि अंजलि, तुम इतना अच्छा घर सिर्फ इसलिए छोड़ना चाहते हो क्योंकि तुम्हें नौकर नहीं मिल रहा? तुम्हें क्या है, घर बदला, शिप में बैठे निकल लिए, संभालना तो मुझे पड़ता है। सुबह सुबह उठो, बंकों को तैयार करो, खुद तैयार हो, उसका टिफिन बना, टिफिन टिफिन, और वो टिफिन खाता भी तो नहीं है। तुम्हें प्रॉब्लम घर से है या टिफिन से? व्हाट? तुम्हें हंसी आ रही है ना? नहीं तुम हंस लो। अरे बाबा हंस नहीं रहा हूँ मैं, देखो मैं मम्मी से बात कर लेता हूँ, कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मदद कर देंगे। मम्मी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो वैसे ही मुझे काम चोर समझती है। बस तुम दूसरा घर देख लो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ओके ओके बाबा, एक दिन दो मुझे, मैं सोचता हूँ और कल तुम्हें फोन करता हूँ। तुम कब आए? जब आप पापा को डांट रही थी। डांट नहीं रही थी, बात कर रही थी। और तुम क्या कर रहे हो? होमवर्क। होमवर्क? तुमको क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं। तुमने खाया पूरा है? मम्मा आप गुस्सा हो? नहीं। परेशान हो? क्या करूं, पूरा घर फैला हुआ है। मम्मा परेशान मत हो, मैं एंजल के साथ मिलके सब कुछ ठीक कर दूंगा।
मुझे डराता तू? धीरे धीरे मम्मा उठ जाएंगी। भूतनाथ तुम नहाते नहीं हो क्या? नहीं। अच्छा अपने दांत दिखाओ, दिखाओ। नहीं। तुम ब्रश भी नहीं करते हो, और ये निशान क्या माथे पे, ये साफ नहीं होता क्या? अच्छा अपने नाखून दिखाओ, दिखाओ। इतने बड़े और गंदे हैं। भूतनाथ तुम इतने गंदे रहते हो, और ये घर भी इतना गंदा है, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलो जाओ यहाँ से। क्यों जाओ, बल्कि इस घर को साफ करना चाहिए। मैं तुझे करने नहीं दूंगा। मैं खुद कर लूंगा। तुम खुद करोगे? 4 फुट 2 इंच इस घर को साफ करोगे? मुझे चैलेंज मत करो। वरना क्या करोगे? मेरे अंदर बहुत पावर है। अच्छा, मैं एक फूक मारूंगा ना, सारी पत्तियां बाहर उड़ जाएंगी। तुम एक फूक मारोगी, सारी पत्तियां बाहर उड़ जाएंगी। चल करके दिखा। एक भी पत्ती नहीं हिली। हिली। वो वाली और वो वाली हिली। बिल्कुल नहीं। अब मैं फूक मारूंगा, देखना सारी की सारी पत्तियां जो है वो दरवाजे के बाहर जाएंगी। एक भी पत्ती नहीं हिली। बस बस बस, फट जाएगा। तू तो हाथ लंबा करेगा ना, ये देख मैं कैसे निकालता हूँ। मैं इसको वाल लगा के दिखाऊं? मैं लगा के दिखाऊं? अच्छा ही लग रहा, वहां पर लगाओ, वहां पर शायद अच्छा लगे। अच्छा वॉल चेयर उठाओ, वहां से वहां पर रखो। रेडी गो। ये वाले? ये वाले? ऐसे काम होता है। पत्ते साफ हो गए। पत्ते साफ हो गए। जाले निकल गए। जाले निकल गए। फर्नीचर सेट हो गया। फर्नीचर सेट हो गया। अब मम्मा घर छोड़ो। अब मम्मा के पास। हेय। गुड नाइट। हैव अ गुड नाइट स्लीप भूतनाथ। स्मार्ट बच्चा। बंकू भैया तभी नहारे, बंकू भैया कर देते हैं फारे न्यारे, बंकू भैया और चक्कर पे चक्कर चलाते हैं हमरे, बंकू भैया अटका दे झटका दे, हाथी भी आए तो उल्टा ही लटका दे, बंकू भैया अरे रे 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 रे, बंकू भैया कभी नहारे, बंकू भैया
देते हैं मारे न्यारे बंकू भैया, अरे चक्कर पे चक्कर चलाते हैं हमरे बंकू, अरे बंकू, अरे बंकू भैया। दिखा देते हैं बतारे रात में सूरज के नजारे, उल्टी गंगा उल्टे धारे कहो तो कर दे, भूत उनसे भागे घबरा कर, जो नहीं माने देख ले आकर घाघर में वो पूरा सागर, कहो तो भर दे उनको। कोई जो देखे तो कोई जो जाने तो दांतों में उंगली दबा ले, उनके काम निराले है चकराने वाले है, ऐसे गुण वाले है बंकू भैया, भैया कभी न हारे बंकू भैया, कर देते हैं बारे न्यारे बंकू भैया, अरे चक्कर पे चक्कर चलाते हैं हमरे बंकू भैया। तो न छोड़े ऐसे हैं वो, अरे लोहे को चुटकी से मसल दे, नदी के ऊपर पैदल चल दे, उनको समंदर मीठा जल दे, ऐसे हैं वो। देखो लंबे न मोटे हैं, कहने को छोटे हैं, लेकिन बड़े हैं इरादे, देखो कौन वो रुस्तम है, किसमें इतना दम है, तुमको हराते हैं बंकू भैया, भैया कभी न हारे बंकू भैया, कर देते हैं भारे न्यारे बंकू भैया, अरे चक्कर पे चक्कर पे चक्कर पे चक्कर पे चक्कर पे चक्कर चलाते हैं हमरे बंकू भैया। हम लोग ऊपर खेल रहे थे, ऊपर खेल रहे थे, मैंने कुछ किया नहीं, क्या तो मैं आप ये डॉक्टर बंकू, डॉक्टर डॉक्टर को बुलाती हूँ। बंकू आके खोल, बंकू आके खोल, आके खोल बंकू, बंकू प्लीज जल्दी कीजिए, बहुत खून बह गया है, जल्दी से कॉटन लाओ प्लीज, डॉक्टर को बुलाइए ना प्लीज, डॉक्टर बहल, डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर बहल डॉक्टर साहब, हुआ क्या डॉक्टर साहब, देखिए ना डीप कट, ये हुआ कैसे, पता नहीं, मैं किचन में थी, इसके गिरने की आवाज आई, ठीक है मैडम रिलैक्स, टेक इट इजी, इसे हमारे रूम में ले चलो, कहीं हेमरेज ना हो, इसका होश में आना बहुत जरूरी है, वरना कोमा में चला जाएगा, चलो डीप डॉक्टर मिश्रा पास, यस बंकू, 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 अरे ये तो वो
वो भूत बंगले वाली है ना? हाँ, कर दिया काम भूत ने। आप यहीं रुके, विल टेक केयर ऑफ। ओके नहीं डॉक्टर, प्लीज मुझे साथ में रहने दीजिए। मैडम आप प्लीज यहीं रुकिए, हम इसको संभाल लेंगे। प्लीज रिलैक्स, ही विल बी फाइन। प्लीज डॉक्टर मुझे। चोट लगी है, अगर होश में नहीं आया ना कोमा में चला जाएगा। डोंट वरी, गॉड सब कुछ ठीक करेंगे। उसे कुछ हो गया ना तो रिलैक्स, ही विल बी ऑल राइट। क्या हुआ डॉक्टर साहब, हाउ इज ही नाउ? उसको होश आया कि नहीं आया? इट्स ओके ना, टेल मी। मैम, थैंक गॉड ब्लड क्लॉट नहीं था, ही इज फाइन। आइए। बंकू, बंकू कैसा लग रहा है बेटा? पेन हो रहा है? थोड़ा थोड़ा। बेटा आप कैसे गिर गए थे? क्रिकेट खेल रहा था, बॉल लेने दौड़ा, सीढ़ी से पैर फिसल गया। हमेशा बोलती हूँ तुम्हें सीढ़ियों पे धीरे से दौड़ो, नहीं सुनते तुम, हमेशा बोलती हूँ इसे। देखा क्या हो गया? इसका घाव बहुत जल्दी भर जाएगा और ये फिर से क्रिकेट खेलने लगेगा। मम्मा आप डर रहे थे ना? एक ही तो लाडला है मेरा, फिर डर कैसे नहीं जाती? तुझे कुछ हो जाता तो? मम्मा मैं आपको बहुत परेशान करता हूँ ना? नहीं, तू तो मेरा अच्छा बच्चा है। तो मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बंदर है तू, अभी भी मस्ती कर रहा है। मैं पापा को फोन करके आती हूँ। भूतनाथ तुम कहाँ चले गए थे? मालूम है मैं बेहोश हो गया था, खून भी बहुत निकला। मैंने तुम्हें गिरा दिया था ना? नहीं, मैं खेल रहा था और मैं गिर गया। खेलने में तो चोट लगती है ना? तुम्हारे जैसे चोट मुझे भी लगी। अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता तो तुम नहीं गिरते ना? मालूम है दादाजी भी मेरा हाथ नहीं पकड़ पाते थे। तुम भी तो दादाजी की तरह हो ना?
तुम मुझे दादाजी कहते हो, मुझे एंजल मानते। और मैं तुझे मैं एंजल हूं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन तू सचमुच एंजल है, मेरा एंजल है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। हेलो 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 जगन, विजयनाथ बोल रहा हूँ। अरे विजय बाबू, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, आप ही को याद करा। अच्छा सुनो, अगले हफ्ते मैं गोवा आ रहा हूँ, ग्रैंड हयात में रुकूंगा। आइए आइए, खुशखबरी देनी है मकान के बारे में आपको। हाँ, घर के बारे में कुछ सोचा है। कुछ सोचा? आके बताता हूँ। ओके, मकान के बारे में क्या सोचा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गेट अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप। अरे वाह, उठ गया। अब कैसा लग रहा है? चलो मुझे जरा देखने दो। आ, 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 आ। दर्द हो रहा है? ये तो काफी ठीक हो गया। गुड, तो फिर चलो उठो और ब्रश करो। चलो चैंपियन, ये लो दूध, कम ऑन। इतना सारा? पूरा पियो। नाश्ते में क्या खाओगे? आलू के पराठे। आलू के पराठे हैं? आलू के पराठे? अरे अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, तुम कुछ हल्का खाओ ना, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनाती हूँ। नहीं, आलू के पराठे। एक भी तो तुम पूरा खा नहीं पाते, फिर पूरा खाना पड़ेगा। यस। अरे एक मिनट, ठीक है बंकू? ठीक है, पूरे चार पराठे खा गया वो। अरे उसने चार खाए सो खाए, तुमने चार पराठे बनाए, तुम थक तो नहीं गई? आदि तुम भी ना। ओके, लव यू टू। बंकू, ए भाई साहब, बंकू कैसे लाज में? नहीं नहीं,
बंकू बंकू ये भूतनाथ किधर है? बंकू बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि शेर शिकार कैसे करता है। सबसे पहले शेर अपने शिकार को देखकर खुश हो जाता है और अपनी पूंछ हिलाता है। मालूम है शेर अपने शिकार की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बढ़ रहा है सर। उसके बाद वो जंप करता है। गया सर। गया। सच्ची में गया सर। गया कहाँ? शिकार पे। बंकू। What is this? रोज एक ही टिफिन। शहर में नहीं आते। सैंडविच के अलावा कुछ नहीं ला सकते। एंजल। करेक्ट बंकू। अब बंकू बेटा, अब एंजल की स्पेलिंग बताओ। A-N-G-E-L। वेरी गुड। A-N-G-E-L। बंकू कहाँ थे तुम? तुम कहाँ चले गए थे? अरे इतना बड़ा स्कूल, इतने सारे बच्चे, सबने एक जैसा यूनिफॉर्म पहना हुआ है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो तुम्हारा प्रिंसिपल है ना, ये तो बड़ा प्रिंसिपल सर? ये बच्चों का टिफिन खाता है। चलो वो देख लेंगे तो हमारा टिफिन भी खा जाएंगे। देखेंगे तब ना। बैंक। अरे किधर गए? A-L-W-A-Y-S always. Good morning sir. Good morning sir. आप अभी बाहर थे? No sir. आप झूठ बोलते हैं। नहीं सर, ये तो यहीं था। टिफिन निकालो। टिफिन निकालो। आज इसमें क्या है? सैंडविच। शायद सैंडविच है। शायद नहीं, सोच के बोलो क्या है। नहीं नहीं कटलेट है। नहीं कटलेट है। कटलेट है। नहीं नहीं सैंडविच है। नहीं नहीं सैंडविच है। सैंडविच है, कटलेट सैंडविच है। बैच गए। लेकिन मम्मी ने तो कटलेट रखा था। लेकिन मम्मी तो कटलेट भेजा था सर, कटलेट है। नहीं इसके अंदर सैंडविच। इधर है सर। चलिए वो स्पोर्ट्स डे अनाउंस करने का टाइम हो गया है। वी गो ग्लो वे बेंगल। ये कौन सा चैनल है? एक सेकंड सर। वी ग्लो गप बिल्कुल 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 वी गो गप आगे ये बिल्कुल लागू लोग बोल दिया गया। इधर तो सब कुछ बराबर है रानी, उधर क्या हो गए थे? एक बाग रोक ले ले।
कैमरा मेरे भाड़ी सुन जरा चलो करें कुछ मजा थोड़ी शरारत कुछ शैतानी काम कोई गड़बड़ का मेरे भाड़ी सुन जरा चलो करें कुछ मजा थोड़ी शरारत कुछ शैतानी काम कोई गड़बड़ का ain't nobody does it better no 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 ain't nobody does it better it better no 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 ain't nobody does it better tip it up and move it up and down खुश रहो तुम जो चाहोगे होगा hey! Ain't nobody does it better no 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 ain't nobody does it better ain't nobody does it better no 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 ain't nobody does it better who the man I the man who the man you the man I got the hip hop like nobody can. I can make the party rock. I can make your body rock. Kick out to the magic and boom, that bang. Yeah. Na to jeeke, na to marke, khushi paayi thi jee bharke. Jo tumse dosti karke, khushi paayi. बहुत ही तेज बच्चे हो अगर तुम दिल के अच्छे हो सच तो ये कि सच्चे हो मेरे भाई मुझको है यही कहना संग मेरे सदा रहना सुनो वादा ये है ना मैं जो चाहूँगा होगा मेरी बड़ी सुन जरा चल करे कुछ मजा थोड़ी शरारत कुछ शैतानी काम कोई गड़बड़ का No, 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 ain't nobody does it better. No, 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 ain't nobody does it better. No, 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 ain't nobody does it better. No, 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 ain't nobody does it better. No, 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 ain't nobody does it better. No, 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 ain't nobody does it better. No, 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 no. Ain't nobody does it better, baby. Sports Day का पहला इवेंट साइकिल रेस और मुकाबला है चैंपियन जोजो और चैलेंजर बंकू में. एंजल नहीं आया कोई बात नहीं नेक्स्ट रेस में ट्राई कर लेना
द विनर इज जोजो। ये जोजो फिर से फर्स्ट आ गया मेरा बेटा, पढ़ाई में भी फर्स्ट आता है, स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट आता है। एंड नाउ द मोस्ट ईगली अवेटेड हर्डल रेस। हर्डल रेस जीतने वाले बच्चों को मिलेगी A1 साइकिल। देखना सर, मेरा जोजो ये A1 साइकिल जरूर जीतेगा। भूतनाथ देखो ना, मैं सब रेस हार रहा हूँ। हाँ तो और तेज दौड़ो जाके। नहीं, तुम कुछ मैजिक कर रहे हो, जोजो को हरा दो। नहीं, स्पोर्ट्स में चीटिंग नहीं होती, तुम बस तेज दौड़ो जाके। देखो ना वहाँ पर कितने सारे हर्डल्स हैं, मैं नहीं दौड़ूंगा। ए बंकू, तुमने कभी चींटी को देखा है? चींटी? हाँ चींटी। अगर चलती हुई चींटी के सामने तुम एक हर्डल रख दो तो क्या करती हो? घूम के चली जाती है। बिल्कुल सही, वहां से निकलने के बाद फिर अगर एक हर्डल रख दो तो क्या करती है? फिर घूम के चली जाती है। दैट्स इट। जब एक छोटी सी चींटी नहीं हार मानती तो मेरा बंकू जो कि इतना बड़ा है वो कैसे हार मान सकता है? ये हर्डल रेस तुम्हें जीतोगे, लेकिन अपनी मेहनत से। जिंदगी में कोई मैजिक नहीं होता, सिर्फ मेहनत होती है, मेहनत। ओके, चलो जाओ, जाओ जाके ये हर्डल रेस जीत के आओ। कम ऑन। क्या हुआ बंकू, तुम्हारा दोस्त अंदर गिर गया? वो मेरा दोस्त नहीं है, पहले वो मुझे गिराने वाला था, खुद गिर गया। अच्छा हुआ। नहीं नहीं बंकू, ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारा दोस्त है। बंकू सॉरी, मुझे बाहर। देखो तुम्हारा दोस्त सॉरी बोल रहा है, उसे माफ कर दो। बंकू माफ करना सीखो, तुम जब शैतानी करते हो मम्मी कैसे तुम्हें माफ कर देती, करती है कि नहीं? तुम इसे भी माफ कर दो। अच्छा जब तुमने जोजो से पहली बार दोस्ती की थी क्या किया था तुमने? हैंडशेक किया था, हाथ बढ़ाया था। हाथ बढ़ाया था ना, तो जाओ जाके हाथ बढ़ाओ। इधर आओ। क्या हुआ? ये देखो भूता, देखो कितना कह रहा है, मेरा हाथ ही पहुंचेगा। पहुंचेगा, तुम हाथ बढ़ाओ। नहीं पहुंचेगा। बढ़ाओ बढ़ाओ, जाएगा। बंकू हाथ क्या दिखा रहा है, रस्सी लेके आना, तेरा हाथ थोड़ी ना आएगा इधर तक। कर रहा है पीछे ना, पीछे। डर मत, डर मत, हाथ दे। ये कैसे किया तुमने? अब मानता है ना मेरे पास एंजल है, लेकिन तुम किसी को बताना मत। गुड सर, खबर पक्की है, पंकु के पास सच्ची का एंजल है, लेकिन किसी को बताना मत सर। हाँ, क्या हम बहुत शरारती लड़के देखे, लेकिन
इसका जैसे स्टोरी टेलर नहीं देखे। आप जानते हैं सारा स्कूल आजकल क्या पढ़ते हैं? टैंकू और एंजल के कहानियां। देखिए मिस्टर शर्मा, आपको अपने बच्चे को बिगाड़ना तो बिगाड़िए, लेकिन दूसरे बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। ये आखिरी वार्निंग है, वरना आप अपने बेटे को किसी दूसरे स्कूल में डालिए। क्या जरूरत है झूठी कहानी सुनाने की? झूठी नहीं, सच्ची। क्या सच्ची? कभी एंजल देखा है? अच्छा, एंजल देखा है, फिर तो भूत भी देखा होगा। नहीं, भूत तो होते ही नहीं है, आपने तो कहा था। एंजल भी नहीं होते हैं। होते हैं। ये किसको इशारे कर रहे हो तुम? एंजल को। ये क्या है, कहाँ एंजल? यहाँ। हाँ? एंजल आओ ना। बंकू ये क्या नाटक लगा रखा है? प्लीज अभी आओ। एंजल आओ ना, मम्मी बात नहीं सुन रही। बंकू मेरी बात सुनो। मैं एंजल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके सामने आने के लिए। स्टॉप दिस नॉनसेंस एट वंस बंकू। जाओ अपने कमरे में, बहुत मजाक हो गया। ऐसे कोई बच्चे को मारता है क्या? बंकू, चलो जाने दो अब छोड़ो भी, चलो जाने दो अब छोड़ो भी, इतना भी क्या गुस्सा करना, कुछ अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, यूं चुप चुप रह कर दिल ही दिल में क्या कुढ़ना, चलो जाने दो अब छोड़ो भी, चलो जाने दो अब छोड़ो भी। ही मुझसे रूठ गए तो किससे बात करूं मैं, जी उठा हूं मैं तुमसे मिलके, तुम जो हो तो हूं मैं, तुम ही मुझसे रूठ गए तो किससे बात करूं मैं, जी उठा हूं मैं तुमसे मिलके, तुम जो हो तो हूं मैं, मुझसे इस पल हो मुंह फेरे, फिर भी हो तुम मेरे, देखो नहीं अच्छा होता है इतना चिढ़ना, चलो जाने दो अब छोड़ो भी, चलो जाने दो अब छोड़ो भी। देखो
छोड़ोगी? इतना भी क्या गुस्सा करना, कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो। यूं चुप चुप रह कर दिल ही दिल में क्या घुड़ना, चल जाने दो अब छोड़ो भी, चलो जाने दो अब छोड़ो भी। जो तारा है ना, मेरे दादाजी हैं, वो मुझे छोड़कर चले गए। कहाँ छोड़कर चले गए, देख तो रहे तुम्हें, बहुत याद करते हैं तुम्हारे दादाजी, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। हाँ हाँ भूतनाथ, जब तुम नहीं थे ना तो मैं दादाजी को बहुत मिस करता था, और जब तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे तो मैं भी तुम्हें बहुत। लेकिन तुम मुझे दादाजी की तरह छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं, कभी नहीं। तुम तो मेरे सब कुछ हो ना, तुम्हें कैसे छोड़ सकता। फिर कल तुम फैंसी ड्रेस में जरूर आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? तुमने कटोरी छुपाई थी ना? तुम आइसक्रीम चोरी करने आए हो? अच्छा, तो तुम एंथनी हो जिसको मम्मी ने मारा था। मैं भूत हूँ। भूत होते ही नहीं है, मम्मी ने बताया था एंजल होते हैं। अच्छा, तो तुम एंजल हो। कहाँ ना मैं भूत हूँ? कहाँ ना भूत नहीं होता। अंजलि, ये तो कैलाशनाथ अंकल जैसे कपड़े पहन के आया है। कौन कैलाशनाथ अंकल? वही जिनके घर पे तुम रहती हो, वही जिनके भूत बनने के किस्से बड़े फेमस है। पता है, हमारे घर में एक एंजल रहता है। मम्मा, एंजल का एक भी फोटो नहीं है। मैं एंजल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके सामने आने की। नाथ मेरे फादर का नाम है, नाथ विला उन्हीं के नाम पर है। ओह आई सी। विजय बाबू, अरे आप कैसे हो जगन? बहुत अच्छे, कृपा है। बस आप तो कल आने वाले थे, फोन कर दिया होता लेने आ जाते भाई। ये जगन है, ही इज बीन टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉपर्टी। जगन, ये संजय मल्होत्रा जी हैं, इनके बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं, नाथ विला देखना चाहते हैं। अरे भाई, देखना क्या, हम तो खरीदना चाहते हैं। खरीदना क्या मतलब है? मैं वही तो आपसे बताना चाह रहा था कि एक फैमिली रहती है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, दिखा दीजिए इनको आप। और फैमिली का क्या हुआ? अरे भैया, मैं पसंद आ गया तो हम उस फैमिली का कहीं और अरेंजमेंट करवा देंगे, क्यों विजय? करेक्ट। आप कौन है? घर में कोई बड़ा है?
Yes? हमें मिस्टर विजयनाथ ने भेजा है, ये मिस्टर संजय मल्होत्रा हैं। हम ये साइट देखने आए हैं, ये विलाम खरीद रहे हैं। आप ये घर बिना परमिशन के नहीं देख सकते हैं। मैडम परमिशन तो हमें मिस्टर विजयनाथ ने ही दी है। मुझे जगन से बात करने। जगन ही तो हमें यहाँ छोड़ के गया है। पर ये घर हमारे पास एक साल के लिए है, मेरे हस्बैंड की कंपनी ने हमें दिया है। कोई मेरे घर को हाथ नहीं लगा सकता। निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, निकलो बाहर। ये कैलाशनाथ का घर है, विजयनाथ का नहीं। बाहर जाओ, चलो निकलो। एंजल मत करो, मम्मा डर रही है। एंजल तुम गुस्सा मत हो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। पंकु किससे बातें कर रहे हो तुम? एंजल से, वो नाराज हो गया है। क्या? एंजल प्लीज सामने आओ। कैलाशनाथ हूं जिसे दुनिया भूत कहती है और आपका बेटा एंजल समझता है। यह मेरा घर, मेरी निर्मला का घर। अपने हाथों से उसने इसे सजाया, एक कोना उसने अपने हाथों से सजाया। इस घर को घर बनाया उसने, घर बनाया। हमारा भी एक परिवार था, आपके परिवार की तरह हमारा भी एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। मेरा बेटा विजय बहुशाना और आपके बेटे की तरह मेरा पोता विभु चला गया है। विजय विदेश घर छोड़कर। माँ जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तुम मत जाना बेटा। अरे कैसी बातें कर रही हो, पहला कदम उठाने जा रहा है, इस तरह टोकते नहीं है। आ जा बेटे, आओ। वहीं जाकर बस गया हमें अकेला छोड़कर। तरसती रही उसकी माँ उसे देखने के लिए, यहां यहां बैठकर दिन रात उसका इंतजार करती थी। जी बाबूजी, चेक तो टाइम पे मिल गया था ना? बेटा चेक तो टाइम पे मिल जाता है, बस तू नहीं मिलता। जी कोशिश कर रहा हूं मैं, इस बार कॉन्फ्रेंस मुंबई में। मुंबई आया तो गोवा आऊंगा ही। बेटा तू आएगा तो मां से कहना उसी से मिलने आया, कॉन्फ्रेंस की बात मत करना। अच्छा सुन, मैं ये फोन मां के पास ले जा रहा हूं, एक बार उससे भी बात कर ले। ओके भूल गया होगा। नहीं कभी कभी लाइन नहीं मिलती, अमेरिका है भी तो इतनी दूर। हमारा बेटा हमसे बहुत दूर चला गया, पहले एक ही आवाज में दौड़ा आता था,
निर्मला चली गई अपने बेटे की राह देखते देखते, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। और आपका बेटा आया ही नहीं? आया, बाबू जी, I'm sorry. बाबू जी, सॉरी बाबू जी। तूने आने में बहुत देर कर दी बेटे। I'm sorry बाबू जी। वो देखो, वो तारा देख रहा? वो वाला? हाँ। वो दादी जी हैं। हाँ। मैं कहीं भी जाऊंगा वो मेरे साथ रहेगी। हाँ, तुम जहाँ जाओगे दादी जी तुम्हारे साथ रहेंगे। दादी जी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दादा जी, अब मैं आपके साथ रहूंगा यही। हाँ, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ये पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो इसे। So this is the house, Mr. Pradhan. It's huge and very well constructed. Oh yes. और आपको ज़्यादा changes भी नहीं करने पड़ेंगे। वहाँ ऊपर क्या है? Terrace है। आइए वो भी देखते हैं। चलो 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 घर आ गए, घर आ गए घर। Meet my father, Shri Kailashnath. बाबूजी ये Mr. Pradhan है। इनका resorts का business है। ये हमारा घर खरीद रहे। खरीद लिया समझ लीजिए कैलाशनाथ जी। दरअसल पेपर वर्क भी हम कल ही फिनिश कर रहे हैं। माफ कीजिएगा प्रधान साहब, ये घर बिकाऊ नहीं है। लेकिन विजय ने तो मुझसे कहा था कि अभी बच्चा है, इस घर का क्या करना है वो ये तय नहीं करेगा। विजय, व्हाट इज दिस? आई एम वेरी सॉरी प्रधान साहब, आप पेपर रेडी कीजिए, हम कल बैठकर बात करेंगे। ये घर नहीं बिकेगा, सुना नहीं तुमने? इतनी मुश्किल से इतनी अच्छी प्राइस मिल रही थी और आपने अपने घर की कीमत लगा रहे हो तुम? क्या ऐसा क्या है इस घर में बाबूजी? क्या है इस घर में? तुम पूछ रहे हो कि क्या है इस घर में? इस घर में तुम्हारा बचपन है। पहली बार जब तुम इस घर के अंदर अपनी मां की गोद में आए थे, उस मां की खुशी है इस घर में। जब तुमने चलना सीखा था तो उसकी हंसी है इस घर में। और जब तुम बीमार होते थे और रात रात पर तुम्हारी मां जाकर तुम्हारी देखभाल करती थी, उसकी वो परेशानी है इस घर में। और जब वो बीमार पड़ी और अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और अपने बेटे के घर वापस आने का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार है इस घर में। बाबूजी, आप समझ नहीं रहे हैं, हम सब अमेरिका चले जाएंगे और फिर इतना बड़ा घर इसे संभालेगा कौन? बेच देते हैं इसे। क्यों बेचेंगे? यहीं रहेंगे साथ में। नहीं बाबूजी, मैं नहीं रह सकता यहाँ, और बार बार वहां से वापस भी नहीं आ सकता। मेरा काम सफर करता है, विभू की पढ़ाई सफर करती है। और अगर इसे यहीं रहना था तो आपने विदेश भेजा क्यों? पढ़ने के लिए भेजा था, बसने के लिए नहीं। बाबूजी, तो आप हमारे साथ अमेरिका चलिए ना, अब यहां रह क्या गया है? और वैसे भी आप अकेले रहकर करेंगे क्या? अब तो मां भी चली गई। मां कहीं नहीं गई है बेटे, वो यही है सीकर में, सुन रही है तुम्हारी बातें। तू जा, जा अपना काम कर, मैं यही रहूंगा और सोचूंगा कि कहां गलत हो गया मैं तुम्हारी परवरिश में। This is really humiliating. I mean, इस घर पर तुम्हारा कोई हक है कि नहीं? I'm sorry, Vijay, but I can't stay here anymore.
और कोई जरूरत नहीं है उन्हें अमेरिका ले जाने की। He is not coming with us to America. पापा, मैं नहीं जाऊंगा। बाबूजी, बाबूजी मैं कोई बात नहीं बेटे, गलतियां हो जाती हैं, हर इंसान से गलतियां हो जाती हैं। नहीं बाबूजी, हम जा रहे हैं। जा रहे हैं? जा रहे हैं मतलब? बाबूजी हम अमेरिका वापस जा रहे हैं। नहीं नहीं विजय सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बाबूजी आप जब चाहे अमेरिका आ सकते हैं। मैं कैसे रहूंगी तुम लोगों के बगैर? मैं चेक भेजता रहूंगा हर महीने। बाबूजी विजय मेरी बात सुनो, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं बेटे, हम कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बहू सामान वापस रखो। विभू चलो नीचे आओ। नहीं मैं नहीं आऊंगा। कहा ना नीचे आओ। विभू विजय इधर आओ बेटा। विभू इधर आओ। नहीं विजय, जब तुम अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकते हो तो मैं भी अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकता। मत जाओ विजय, मत जाओ। यही पड़ा रहा। लेकिन उसने एक बार भी मुड़के मुझे नहीं देखा, एक बार भी नहीं। तब से मैं इस घर में भटक रहा हूं। मैंने कभी भी किसी को इस घर में रहने नहीं दिया।
फिर ये आया। मेरा एंजल, इसने मुझे बदल दिया। मैं भूल गया था कि मैं जीवित नहीं हूं। ये अभी भी दर्द होता है? नहीं बेटा, अब दर्द नहीं होता। आप कब तक यूं ही भटकते रहेंगे? आप अपने बेटे को माफ क्यों नहीं कर देते? नहीं, कभी नहीं, नहीं माफ करूंगा। वो मुझे छोड़कर गया, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। चाहे मुझे 100 जन्म यहां पर क्यों ना भटकना पड़े, 100 जन्म। अब इस घर में सिर्फ तुम लोग रहोगे। बंकू रहेगा हमेशा। तुम लोग यहां से नहीं जा सकते, ना, नहीं जा सकते तुम लोग। क्या वो अभी भी यहीं है? तो इस वक्त वो कहाँ है? कैलाशनाथ को अपने बेटे से बहुत प्यार था। उसी के लिए इस मंदिर में उसने कितनी ही पूजा अर्चना की। अब उसका मन आपके बेटे से जुड़ गया है। इसी बात का तो डर है पुजारी जी, कहीं वो बंकों को कुछ। नहीं, कैलाश ने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, वो कुछ नहीं करेगा। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? श्राद्ध, उसकी मुक्ति के लिए श्राद्ध करना होगा। लेकिन ये तो उनका बेटा ही कर सकता है ना? हाँ, करना तो उसी को चाहिए। वैसे कैलाश की मृत्यु के बाद आज तक उसका श्राद्ध नहीं किया गया, कौन करता? बेटा तो विदेश में था। वैसे सुना आजकल वो यहाँ आया हुआ है। तो फिर एक बार मैं उनसे जरूर मिलकर बात कर लूंगा। मेरी माने तो आपका बेटा ही कैलाश को मोक्ष दिला सकता है। बच्चों की तो भगवान भी सुनता है, उसकी पूजा भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। विजय, आदित्य, हाय। जब भी गोवा आता हूं यहां जरूर आता हूं। गोवा आते हुए अपने घर नहीं आते? वहां तो आप रुके हुए हैं और आप हमें वहां से निकालना चाहते हैं। नाथविला तोड़ रहा हूं, इस बार जमीन बेचकर हमेशा के लिए गोवा छोड़ दूंगा। ना रहेगा घर, ना रहेगा भूत। भूत नहीं, आत्मा, आपके पिताजी की अतृप्त आत्मा। अतृप्त, डिससैटिस्फाइड। पिताजी हमेशा मुझसे डिससैटिस्फाइड ही रहे, समझ नहीं पाए मुझे कभी। या फिर शायद आप उन्हें कभी समझ नहीं पाए। विजय, आपके पिताजी का मन अपने घर से जुड़ा हुआ है। वो नहीं चाहते कि आपकी माँ की यादों का ये घर टूटे। शायद इसलिए आज तक उनकी आत्मा भटक रही है। देखिए आदित्य, इन सब में मेरा विश्वास नहीं है। एंड आई फाइंड इट रियली फनी कि मेरे पिताजी की आत्मा मेरे अलावा सबको परेशान करती है। परेशान नहीं करती, अपने होने का एहसास दिलाती है। काफी जानते हैं आप मेरे पिताजी के बारे में। जिस दिन आप घर छोड़कर जा रहे थे, आपके पिता अपने बेटे को रोकने के लिए पीछे निकले, उनका पैर फिसला, वो गिर गए और शायद चिल्लाए वो, लेकिन उनके बेटे ने एक बार पीछे पलट कर भी नहीं देखा। वो एक एक्सीडेंट था, ऐसा आपको लगता है? अरे आप कहना क्या चाहते हैं? आई किल्ड माय फादर? कुछ नहीं जानते हैं आप, मैं गलत नहीं था। वो मेरी इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि। और अब आप इतनी सी बात समझ नहीं पा रहे हैं। विजय, विजय सिर्फ माफी तो मांगनी है, वो भी अपने पिता से।
एक बार घर चल के माफी मांग लो, शायद उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। तो आप मुझे ये बताने आए हैं मुझे क्या करना है? मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपके पिताजी की आत्मा की मुक्ति के लिए हमने पूजा रखी, हम श्राद्ध कर रहे हैं। अमेरिका में श्राद्ध नहीं होते, फिर भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। पिता का श्राद्ध तो बेटा ही करता है। अरे तो आप कीजिए ना, पूजा श्राद्ध वगैरह आपको जो करना है कीजिए, मैं अगले दिन घर की चाबी लेने आ जाऊंगा। ठीक है, मैं आपके लिए प्रसाद जरूर रखूंगा। वैसे विजय, इन सब बातों को मैं भी नहीं मानता था, लेकिन इतना मान गया हूं कुछ काम हमेशा अधूरे रह जाते हैं, ये पूजा भी तुम्हारे बिना अधूरी रह जाएगी। वो कल हम एक छोटी सी पूजा कर रहे हैं तुम्हारे भूतनाथ के लिए। हाँ, उनका जन्मदिन है। उनके नए जन्म के लिए, उनकी मुक्ति के लिए। मुक्ति? वो क्या होती है? इधर आओ बंकु। देखो, जैसे तुम फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में आए हो, वैसे इस पूजा से तुम्हारे भूतनाथ एंजल से स्टार एंजल बन जाएंगे। स्टार एंजल? मैं अभी बता के आता हूँ। अरे बंकु, भूतनाथ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए एक पूजा रख रहा हूं। मुक्ति? हाँ, जैसे मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में चले गया, वैसे तुम एंजल से स्टार एंजल बन जाओगे, जैसे दादाजी। उधर देखो ना। देखने दे, जी भर के देखने दे। पता नहीं किस जन्म में फिर तुमसे मिल पाऊंगा। क्यों, तुम भी तो मुझे दादाजी की तरह देखोगे ना? देखूंगा, नजरें तुम्ही पर टिकी रहेंगी। प्रॉमिस करो कि तुम भी मुझे रोज देखा करोगे। प्रॉमिस। लेकिन कभी क्लाउड्स आ गए तो? तुम्हारे मेरे बीच में भगवान भी नहीं आ सकता। प्रॉमिस करो कि तुम मम्मी को कभी परेशान नहीं करोगे। आइसक्रीम नहीं दी तो करूंगा। प्रॉमिस करो कि तुम मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। इतनी सारी प्रॉमिस, और वो भी एक साथ। भूतनाथ, तुम्हें सिर्फ मुक्ति मिल रही है, तुम कहीं जा थोड़ा रहे हो। अच्छा ठीक है, लास्ट प्रॉमिस बोलो। प्रॉमिस करो कि तुम कभी किसी से झगड़ा नहीं करोगे और हमेशा सबको माफ करोगे। मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। नहीं, माफ करना जरूरी है। जिस तरह गंदे कपड़े को धोने से वो साफ हो जाता है, इसी तरह माफी मांगने से मन साफ हो जाता है। फिर तुमने अपने बेटे को माफ क्यों नहीं किया? क्रोध के बोझ को मन पे उठाए, काहे चलता है प्राणी। क्षमा जो शत्रु को भी कर दे, वही मुक्त है, वही ज्ञानी। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही, पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर। गिरते गिरते संभलता है, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है,
उसकी जरा सी जोत सही, पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर। गिरते गिरते संभलता है समय का पहिया, चलता है दिन ढलता है रात आती। जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पराया, मैंने जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पराया, बस तू ही मेरा अपना है बस तूने प्यार निभाया। काम क्रोध और लोभ मैं तज कर जा सकता हूँ, तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता क्या मैं मुक्ति पा सकता। तू नहीं जानता तू मेरा आप है क्या, तुझको हूं देखता तो दिल कैसे पिघलता है। समय का पहिया चलता है दिन ढलता है रात आती है। सोया रात आई तो अब जागा सोया तब था, दिन में सोया रात आई तो अब जागा सोया तब था। अब क्या सूरज ढूंढे पगले, डूब गया सूरज कब का। बरसों पहले जो थी एक नदी प्यार की, बह गई वो नदी। हाँ तब तू क्या मलता है, समय का पहिया चलता है दिन ढलता है रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही, पर दूर से उसको देख कोई बरसा। गिरते गिरते संभलता है समय का पहिया, चलता है दिन ढलता है रात आती है। अपना नाम बोलिए। मैं विजयनाथ। आपका गोत्र? कश्यप गोत्र। कहिए, मैं अपने पिता की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं अपने पिता श्री कैलाशनाथ की मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं।
नहीं करो मुझसे ये बहाना, देखो मुझे सिखा कर जीना, ऐसे मुझको छोड़ न जाना। पापा मेरा भूतनाथ का है, तुम्हारे भूतनाथ को मुक्ति मिल गई बेटा। लेकिन आपने तो कहा था कि हम लोग उनकी जन्मदिन के लिए पूजा रख रहे हैं। वो चले गए। ठीक कहते थे आप, कुछ काम हमेशा अधूरे रह जाते हैं। मैं बाबूजी से I'm sorry, बेटा, मेरी वजह से तुम्हारा भूतनाथ चला गया। तुम उनसे कहना कि ये घर घर ही रहेगा और अब से तुम्हारा रहेगा, और उनसे कहना कि वो मुझे माफ कर दे। Thank you.
कभी जो ना हो, तुम हंसो खुश रहो, तुम जो चाहोगे होगा। No, no.